हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लेक्चर 5। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेंट्रल ऑर्बिट्स का, जो कि हमारी यूनिट 4 का एक चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में से हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए तो देखते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म हम करने जा रहे हैं वो है एप्स। तो एप्स क्या चीज होती है वो आपने समझना है। इट इज अ पॉइंट ऑन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। या मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो कि सेंट्रल फोर्स क्या चीज होती है, मैं यहीं पर बता देता हूं आपको सेंट्रल फोर्स किस चीज को कहते हैं। कि जब भी हमारा कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करते हैं कि वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट में से पास करता है, ये मान लीजिए इस तरीके से वो फिक्स पॉइंट में से पास कर रहा है, इस फिक्स पॉइंट में से। तो जब भी पार्टिकल इस तरीके किसी भी डायरेक्शन में से वो मतलब पास कर रहा है, यानी कोई भी डायरेक्शन हो पार्टिकल मूव करेगा अगर, तो वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट में से पास करेगा। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अंडर द सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स, और इसे हम बोलते हैं हमारा सेंटर ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो अब आप ये देखिए, मैंने ये आपको बताया था कि जब जो हमारा पार्टिकल पाथ ट्रेस करेगा सेंट्रल फोर्स के अंडर, तो उसे हम बोलते हैं वो क्या है, हमारा सेंट्रल ऑर्बिट है वो हमारा। मैंने आपको जैसे पहले भी बता चुका हूं कि वो हमारा एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, या हमारा इक्वीएंगुलर स्पाइरल भी हो सकता है, कार्डोइड भी हो सकता है, तो कुछ भी चीज वो हो सकती है। तो सबसे ज्यादा आसान जो एग्जांपल रहता है वो हमारा रहता है एलिप्स का। तो ये सपोज कीजिए मैंने ये बनाया आपका एलिप्स, हालांकि ये तो ये हमारा सेंट्रल ऑर्बिट, मैंने एलिप्स का एग्जांपल लिया है ये समझाने के लिए कि एप्स आखिर होती क्या चीज है आपकी। तो देखिए एलिप्स क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर ये कोई एक पॉइंट होता है। अब ये कैसा पॉइंट होता है देखिए, एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो सपोज कीजिए देखिए, अब जैसे मैंने ये बनाया है और हम अगर मैं इन लाइंस को सबको बना मिलाता हूं तो ये आपका क्या बन गया है, पाथ बन गया है, ये सेंट्रल ऑर्बिट बन गया है, किसी भी तरीके से बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, ये भी हमारा एक एग्जांपल है, ये जनरल मैंने ले लिया कि वही कोई पार्टिकल है और वो इस तरीके का सेंट्रल ऑर्बिट बना रहा है, पाथ ट्रेस कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो उसने ये हमें कहा है कि जो रेडियस वेक्टर जो ड्रॉन होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखिए जब ये हमारा सेंटर ऑफ फोर्स है, तो जितनी भी मैंने ये लाइन ड्रॉ की है ये इस पॉइंट से की है, ये इस पॉइंट से की है, ये इस पॉइंट से, ये सारे सेंट्रल ऑर्बिट के पॉइंट है हमारे। इसको मैं ए कहूं, ये बी कहूं, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई और ये जे, और ये इसको मैं नाम दे देता हूं ओ। इसी तरीके से यहां पर देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, ये वाला पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूं बी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी, और इसे मैं कह देता हूं ओ। तो जो ये लाइनें हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी, ओ एच, ओ ओ टी, ओ जे, जितनी भी है ये हमारी सारी लाइनें हैं, ये सब किसको शो कर रही है, हमारे रेडियस वेक्टर को शो कर रही है। ऐसे यहां पर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब किसको शो कर रही है, रेडियस वेक्टर को शो कर रही है। तो जब हमारा रेडियस वेक्टर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखे या मिनिमम वैल्यू रखे, तो उसे हम कहेंगे कि वो हमारा पॉइंट जो सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर है, तो वो हमारा क्या पॉइंट है, वो
एप्स है। जैसे कि अब अगर आप यहां देखेंगे तो जो ओ ई है, ये डिस्टेंस जो ई पॉइंट है ओ से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर मुझे नजर आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है ओ ई, ये जो डिस्टेंस है ओ ई, ये डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम नजर आ रहा है मुझे बाकी सभी के कंपैरिजन में। तो अगर नहीं भी आ रहा तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं ताकि ये नजर आए, क्योंकि आपको लग सकता है ये ज्यादा बड़ा है, मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर लेता हूं आपको क्लियर करने के लिए। मान लीजिए यही सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है, अब तो बिल्कुल यही सबसे बड़ा हो गया। तो अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये सबसे बड़ा डिस्टेंस है, यानी ये रेडियस वेक्टर सबसे बड़ा वेक्टर है। तो ये ई पॉइंट के रेफरेंस में जो रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया गया है वो सबसे बड़ा वेक्टर है, दैट्स व्हाई जो ई पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, एप्स कहलाएगा, ये हमारा एप्स है। अब जैसे अब इसी के साथ आप इस एलिप्स में भी इसे समझ सकते हैं, एलिप्स के अंदर देखिए जो हमारा ओ से ए का डिस्टेंस है, ये मेजर एक्सिस है आपकी, सी ए मेजर एक्सिस है और ओ ए सेमी मेजर एक्सिस है। ओ से ए तक का अगर डिस्टेंस देखे तो ये बाकी जितने भी मैं अगर ड्रॉ करूंगा रेडियस वेक्टर, जितने मर्जी हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से या यहां से, कहीं से भी आप ड्रॉ कर लीजिए रेडियस वेक्टर, तो उनके कंपैरिजन में जो ये ओ ए डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जो होगा ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये जो ओ सी होगा ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये ओ सी होगा। तो ये जो ए और सी है, ए और सी के रेफरेंस में सेंटर ऑफ फोर्स से जो डिस्टेंस आता है रेडियस वेक्टर की, जो लेंथ आती है वो ओरो के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा आ रही है, दैट्स वाई ए और सी जो है वो हमारे एप्स है। तो ये हमारे क्या बन गए, एप्स है, ये भी एप्स है और ये भी हमारा एप्स है। इसी तरीके से ये तो मैंने बताया आपको मैक्सिमम का, इसी तरीके से जहां मिनिमम वैल्यू आएगी रेडियस वेक्टर की, जिस पॉइंट के रेफरेंस में मिनिमम वैल्यू आएगी वो भी हमारा क्या होगा, एप्स होगा। तो अब देखिए जैसे ये बना है हमारा, इसमें जो हमें सबसे छोटा ढूंढना है, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं लो, तो इसको मैं अगर ऐसे बना दूं, ये ऐसे, तो ये वाला पॉइंट जो है अब ये इस तरीके से मैंने बना दिया है, ये ए पॉइंट है। तो ये जो ओ ए डिस्टेंस है, अब आपको दिख ही रहा होगा ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, यहां पर जो ओ ए डिस्टेंस है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है और रेडियस वेक्टर के कंपैरिजन में, यानी ये जो ए पॉइंट बनेगा ये हमारा एप्स बनेगा। इसी तरीके से यहां पर जो ओ बी और ओ सी है, यानी माइनर एक्सिस है, ये आपको पता है आप सीख कर आए हैं, ओ बी और ओ डी का डिस्टेंस सेम है और बी के रेफरेंस में जो रेडियस वेक्टर आ रहा है ओ बी और डी के रेफरेंस में जो रेडियस वेक्टर आ रहा है ओ डी, तो ये जो डिस्टेंस है ये बाकी ओरों की कंपैरिजन में क्या है, मिनिमम है। तो यानी ये जो बी पॉइंट है ये भी एप्स होगा और जो डी पॉइंट है ये भी आपका एप्स होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा अब एप्स क्या होता है, एप्स क्या चीज होती है, जो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट बना है, यानी कि हमारा जो पार्टिकल ने जो पाथ ट्रेस किया है, मैंने एलिप्स का एग्जांपल भी समझाया, एक जनरल एग्जांपल भी वैसे लेकर से समझा दिया आपको, तो उसके ऊपर एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है हमें जहां से अगर हम ओ का डिस्टेंस मेजर करें, यानी रेडियस वेक्टर को वहां से मेजर करें, उस रेडियस वेक्टर की लेंथ जो है वो मैक्सिमम आती है, और ऐसा ही हमें वो देखनी है जिस रेडियस वेक्टर की लेंथ मिनिमम आती है जिस पॉइंट के रेफरेंस में, तो वो पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, एप्स कहलाएंगे। तो यहां पर जैसे ए और ई एप्स है, यहां पर ए बी सी डी ये चारों हमारे क्या है, एप्स है। दूसरा देखिए आता है एप्सिडल डिस्टेंस, क्या चीज होती है एप्सिडल डिस्टेंस, क्या चीज होती है, द डिस्टेंस बिटवीन एन एप्स एंड एंड द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द एप्सिडल डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट के बीच में और जो हमारा सेंटर ऑफ फोर्स है तो वो उसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एप्सिडल डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहां पर ओ ई एप्सिडल डिस्टेंस है, ई जो है वो एप्स है और ओ ई यानी कि जो रेडियस वेक्टर की लेंथ है, यानी कि ओ ई बनी यहां पर और ओ ए बनी, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे, एप्सिडल डिस्टेंस है। यहां पर
OA, OB, OC और OD क्या है हमारे एप्सिडल डिस्टेंस है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं OA और कोमा OE आर एप्सिडल डिस्टेंसेस और ऐसे ही यहां पर OA, OB, OC, OD जो है वो हमारे एप्सिडल डिस्टेंसेस हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एप्स क्या चीज होता है। एप्स एक पॉइंट होता है, एप्सिडल डिस्टेंस क्या होता है उस पॉइंट के और जो सेंटर ऑफ फोर्स है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एन एप्स और व्हाट इज एन एप्सिडल डिस्टेंस। तो आगे चलते हैं, देखिए अब हमें एक थ्योरम करनी है। एट एन एप्स द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर कि एप्स के ऊपर यानी एप्स एक पॉइंट है ये आपको पता चल गया जो पार्टिकल मूव करता है एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर। दूसरा इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस वेक्टर होता है जो एप्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब यहां जैसे ये एलिप्स वाला मैंने केस बनाया था, मैं दोबारा अगर ड्रा करूं इस वाले ही केस को तो ये देखिए ये आपको पता ही ये दिखेगा आपको क्लियर। यहां पर दोबारा मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये ओ ए बी सी डी अगर मैं ए के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्लियरली जो ये रेडियस वेक्टर ओ है ये इस टेंजेंट के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से मैं यहां पर सी के ऊपर अगर मैं ड्रा करूं टेंजेंट तो ये रेडियस वेक्टर जो है वो इस टेंजेंट के ऊपर यानी एप्स के ऊपर एप्स पॉइंट के ऊपर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है रेडियस वेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये आपको दिख रहा है, अभी हम प्रूव करेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि व्हाट ही वांट्स टू प्रूव द प्रूव वो क्या प्रूव करवाना चाह रहा है हमारे से वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एफर्ट कर रहा हूं। तो देखिए इसी तरीके से अगर मैं बी पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये मैंने बी पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये रेडियस वेक्टर ओ बी इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। डी के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये रेडियस वेक्टर इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये ऐसा हमेशा होता है कि जो रेडियस वेक्टर है एप्स के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसके ऊपर वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूव करना है। इसी तरीके या इसी बात को ये कह रहा है वो द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर जो पार्टिकल है वो मूव करता है एप्स से किस पर 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमें प्रूव भी करनी है, हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करना है इसे हमें। तो देखिए हमें प्रूव करना है एप्स के ऊपर कि जो हमारा पार्टिकल मूव है वो जो पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर यानी रेडियस वेक्टर हमारे टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ये हमें शो करना है। तो देखिए आइए हम शो करेंगे कि किस तरीके से ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये मैंने सपोज कर लिया, सपोज कीजिए आप ये जो एंगल है ये जो हमारा एंगल है ये हमारा एंगल फाई है, ये एंगल फाई है और ये सेंटर ऑफ फोर्स है। ये कर्व ली है मैंने यानी पाथ का कोई टुकड़ा ले लिया है उस पर मैंने ये ए पॉइंट लिया है जो मैंने एप्स से शो किया है यानी कि जो ये ओ ए डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। एज वी नो दैट at an apse
रेडियस वेक्टर जिसको हमने शो किया है आर से इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये जो रेडियस एप्स ये मैंने पॉइंट लिया है कर्व के ऊपर और ये आर से मैंने दिखाया क्योंकि ये एप्स है तो यानी इसका डिस्टेंस क्या होगा या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। और ये मैंने ये शो ये देख ये बनाया है एंगल कि जो ये रेडियस वेक्टर टेंजेंट के ऊपर एंगल बना रहा है वो फाई बना रहा है, ये ध्यान रखना है वो फाई बना रहा है। हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमारा काम है इस थ्योरम में प्रूव करना। तो देखिए अब यहां से तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ से इस टेंजेंट के ऊपर, तो ये इसे हम किससे शो करेंगे पी से, स्मॉल पी से शो करते हैं। ये पेडल फॉर्म में भी मैंने आपको बताई थी ये सारी की सारी चीजें। तो अब देखिए दिस इंप्लाइज यू इज इक्वल टू 1/r कि जो u होगा u को हम क्या पुट करते हैं 1/r पुट करते हैं। अगर r मैक्सिमम या r मैक्सिमम है तो u क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, और जब r मिनिमम है तो u क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। यानी हमने कहा कि एप्स हमें दिया हुआ है तो रेडियस वेक्टर इसका मींस यही हुआ कि जो हमारा r है वो मैक्सिमम या मिनिमम है और u जो है वो 1/r के इक्वल है, यानी कि ये क्या होगा या तो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। देखिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम पहले लिखा है मिनिमम बाद में लिखा है, या मिनिमम पहले लिखा है मैक्सिमम बाद में लिखा है, क्योंकि जब आर मैक्सिमम होगा तो यू मिनिमम होगा और जब आर मिनिमम होगा तो यू मैक्सिमम होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए आप पढ़ के आए हैं वी नो दैट 1/p² इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाय डी थीटा की स्क्वेयर, ये आपने इक्वेशन पढ़ी है, हमने प्रूव की है ये इक्वेशन, तो आपको डायरेक्टली लिखनी है यहां पर। तो अब देखिए यहां से जब यू मिनिमम या मैक्सिमम होगा इसका मतलब क्या होगा डी यू बाय डी थीटा क्या होगा हमारा जीरो होगा। अब आपको मैं याद दिला दूं जब आपने प्लस टू में या और लोअर क्लासेस के अंदर आपने देखा था कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है किस पॉइंट पर आती है जहां पर डेरिवेटिव हमारा इक्वल टू जीरो पुट किया जाता है या जीरो होता है, तो हम क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करते थे डेरिवेटिव निकालते थे और उसको इक्वल टू जीरो पुट करते थे। तो इसी वजह से देखिए यहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है, इट मींस जो डी यू बाय डी थीटा होगा वो क्या होगा जीरो होगा, और डी यू बाय डी थीटा भी जीरो होगा और डी आर बाय डी थीटा भी जीरो होगा, क्योंकि आर भी क्या है मैक्सिमम और मिनिमम है, क्योंकि मेरे को यहां पर रिक्वायरमेंट डी यू बाय डी थीटा की थी इसलिए मैंने डी यू बाय डी थीटा को जीरो लिख लिया। अब यहां से क्या होगा This implies 1/p² is equal to u square हो जाएगा आपका। तो अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा This implies 1/p² is equal to u किसके इक्वल है 1/r के, तो ये हो जाएगा आपका r square के इक्वल। This will implies 1/p² equal to r square है, तो इट मींस पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जब रेसिप्रोकल इक्वल है किसी क्वांटिटीज का तो वो क्वांटिटीज भी इक्वल होगी, इसका मींस क्या होगा पी जो है वो किसके इक्वल होगा आर के इक्वल होगा। अगर स्क्वायर इक्वल है तो इट मींस स्क्वायर रूट भी इक्वल होंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं ये ध्यान रखना आपने। अब देखिए अब पी जो है इसके अंदर आ जाइए, अब इस ट्रायंगल के अंदर जो ये ट्रायंगल बन रही है ये ए ओ इसे मैं कह देता हूं बी, इस ट्रायंगल के अंदर इसके रेफरेंस में बात करेंगे क्योंकि मुझे इस एंगल तक पहुंचना है किसी भी तरीके से। अगर आप यहां से देखें इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एओबी या आप ए बी ओ भी लिख सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री एंगल हम अक्सर बीच में ले आते हैं, तो नो मैटर हमने किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें हैं हमें याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम काम किसी और रेफरेंस में कर रहे हैं। तो अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एओबी के अंदर आप देखिए ये हमारा एबी जो होगा ये बेस है क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल और इसी पे फाई एंगल है हमारा, और ये हमारा
परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारा हाइपोटेनस बनेगा, इसके सामने वाला 90 डिग्री के एंगल वाला। तो पी बाई आर की अगर आप वैल्यू निकालते हैं, यानी कि ये आपका क्या है परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनस, ये किसके इक्वल होगा साइन फाई के इक्वल होगा, यानी पी किसके इक्वल होगा आर साइन फाई के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए आर साइन फाई पी की वैल्यू और ये आर, यहां आर से आर कैंसल हो जाएगा, इट मींस साइन फाई की वैल्यू आपकी वन आ जाएगी, यानी कि फाई कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि हमारा प्रूव हो गया क्योंकि हमारा जो एंगल है ये फाई एंगल ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री एंगल का है। इट मींस ये हुआ कि ये लाइन कोइंसाइड्स करती है, यानी कि ये दोनों लाइनें एक ही है, इस वाले केस में ये दोनों लाइनें संगामी हो जाती है, कोइंसिडेंट हो जाती है। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है। तो ये हमें प्रूव करना था कि एप्स के पॉइंट पर जो पार्टिकल मूव करता है रेडियस वेक्टर राइट एंगल पे मूव करता है टू दी रेडियस वेक्टर। तो ये हमारी थ्योरम थी, छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको याद भी रखनी है। नेक्स्ट जो थ्योरम हमें प्रूव करनी है, देखिए प्रूव दैट व्हेन दी सेंट्रल एक्सेलरेशन, सेंट्रल एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं एफ से, वेरीज एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ दी डिस्टेंस, डिस्टेंस किसे शो होता है आर से, तो ये हमारा आर है और सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस लेनी है हमें, यानी कि इसकी कुछ पावर लेनी है डिस्टेंस की जो इंटीजर हो। तो हमने क्या ली, डिस्टेंस की इंटीजर पावर ली है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एन इज एन इंटीजर और ये वेरी कर रही है, यानी कि जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो इस क्वांटिटी इसके क्या है वेरी करती है रेशो में। तो अब यहां से हमें प्रूव करना है कि जो हमारे जो एप्सिडल डिस्टेंस होंगे वो एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, टू हो सकते हैं एप्सिडल डिस्टेंसेस। एप्सिडल डिस्टेंसेस का मतलब क्या है, ऑर्बिट के ऊपर जो दो पॉइंट मिलेंगे हमें, पॉइंट ज्यादा भी मिल सकते हैं हमें, पॉइंट मिलेंगे तो वहां पर जहां मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो सिर्फ दो ही हो सकती है। इस बात को समझिए अभी वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं एलिप्स की ही मैं बात करता हूं तो आपको कि ये ओ पॉइंट है, ये ए बी सी डी, तो ओ ए एप्सिडल डिस्टेंस है, ओ बी भी एप्सिडल डिस्टेंस है, ओ सी भी एप्सिडल डिस्टेंस है, ओ डी भी एप्सिडल डिस्टेंस है। लेकिन वो ये कह रहा है कि प्रूव करके दिखाना है कि यहां पर जो एप्सिडल डिस्टेंस हो सकते हैं वो एटमोस्ट टू ही हो सकते हैं। तो अब आप यहां कहेंगे यहां तो चार है हमारे एप्सिडल डिस्टेंस ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, नहीं यहां पर दो ही एप्सिडल डिस्टेंस है ओ ए और ओ बी, ओ ए ओ बी, और जो ओ ए और ओ सी है वो सेम है, ये एक ही एप्सिडल डिस्टेंस माना जाएगा, और ऐसे ही यहां ओ बी और ओ डी जो है वो सेम है तो ये हमारा एक ही एप्सिडल डिस्टेंस माना जाएगा ये भी। तो यानी कि एक एप्सिडल डिस्टेंस ये कह लीजिए ये एक ही है, इनकी वैल्यू सेम है। एप्सिडल डिस्टेंस का मतलब यहां पर इसको कहने का मीन्स ये है एट द मोस्ट टू डिस्टिंक्ट एप्सिडल डिस्टेंसेज होंगे। तो थोड़ा सा वो बात को ट्विस्ट करके लिख देते हैं, वो हमें खुद समझना होता है कि वो क्या प्रूव करवाना चाह रहा है हमें। तो मैंने पहले आपको ये समझाया कि वो क्या कहना चाह रहा है कि हमें गिवन ये है कि जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रही है डिस्टेंस की सम इंटीग्रल पावर की फॉर्म में। तो हमें प्रूव ये करना है कि जो एप्सिडल डिस्टेंस होंगे वो एट द मोस्ट टू ही हो सकते हैं। तो अब हमें प्रूव देखिए कैसे करेंगे। अब अगर एफ वेरी कर रहा है सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस तो ये साइन हटाने के लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो आपको पता है आपको क्या करना होता है। तो ये हमने लैम्डा लगा दिया, एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया इस क्वांटिटी को। अब यहां पर पुट करेंगे हम आर को वन बाय यू, तो क्या होगा, तो हमारा जो एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लैम्डा बाय U की पावर n हो जाएगा। अब देखिए अब आपको पता है यूज
ये आप पढ़ के आए हैं, ये हमारी पोलर फॉर्म के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की, जो हमने लगभग लगभग हर क्वेश्चन में यूज भी की है पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो ये हमारी हमने इसका यूज करना है। यहां पर देखिए कैसे यूज होगा, डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू एफ बाय में यू स्क्वेयर, और इस एच स्क्वेयर को मैं इधर लेकर जा रहा हूं, ये मैं इसको इधर ले गया। अब यहां पर आपको f की वैल्यू भी पुट करनी है, f की वैल्यू अब आपके पास क्या है, लैम्डा बाय u की पावर n है, और u स्क्वायर पहले से है, यानी ये आपकी बन जाएगी लैम्डा बाय u की पावर n प्लस 2। अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय टू डी यू बाय डी थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये स्टेप हमें बहुत जगह करना पड़ेगा, तो ये अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसकी बहुत जगह रिक्वायरमेंट होती है मल्टीप्लाई करने की टू डी यू बाय डी थीटा से। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा वो अभी आपको साफ साफ दिखेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू डी यू बाय डी थीटा से, तो यहां पर आ जाएगा एच स्क्वायर टू डी यू बाय डी थीटा, और ये आपका हो गया डी टू यू ओवर डी थीटा की स्क्वायर प्लस टू यू डी यू बाई डी थीटा और इक्वल टू लैम्डा यू की पावर माइनस एन प्लस टू एंड डी यू बाई डी थीटा। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो देखिए क्या बनेगा आपका, ये एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो अब मैं आपको बताऊं, आप एक रिजल्ट पढ़कर आए हैं कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया हो और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ हो और इस फंक्शन की कुछ पावर दी हुई हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है, फंक्शन की पावर में हम एक ऐड कर देते हैं और नीचे वो पावर लिखी जाती है, प्लस में कॉन्स्टेंट आप लगाते हैं। तो अब यहां पर देखिए डी यू बाई डी थीटा है और डी इसका डेरिवेटिव डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर होता है, और इसकी पावर कितनी है, वन है, तो यानी ये क्या बनेगा हमारा, डी यू बाई डी थीटा की स्क्वायर, और इसके बाई में टू आएगा, वो टू मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो टू इस टू से कैंसल हो जाएगा। सेम चीज यहां है, ये फंक्शन है, इसकी पावर वन है और ये डेरिवेटिव है, तो प्लस में यहां पर क्या आएगा, यू स्क्वायर आएगा, और यहां पर देखिए लैम्डा, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल जो इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि हमें पावर दी हुई है एक्स की पावर एन वाला फार्मूला हम लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यू की पावर माइनस एन प्लस वन बाय में माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस एन प्लस टू का मतलब माइनस एन माइनस टू, और इसमें मैंने प्लस वन किया तो ये माइनस एन माइनस वन बना, तो ये मैंने कॉमन लिया, तो उसके बाद में ये चीज आपकी आएगी। अब यहां पर देखिए हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि जो एप्सिडल डिस्टेंस होंगे वो दो होंगे, तो यानी कि अब यहां पर यू और आर किसका काम करेंगे, एप्सिडल डिस्टेंसेस का काम करेंगे, उसके रेफरेंस में हम अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अब वी नो दैट एट एन एप्स डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये आपको पता है, हमने पिछली थ्योरम में भी यूज किया था कि एप्स के ऊपर डी यू बाई डी थीटा क्या होता है, जीरो होता है, जिससे आपकी जो ये इक्वेशन नंबर वन है, दिस इंप्लाइज इक्वेशन वन टेक्स द फॉर्म एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्योंकि ये जीरो हो चुका है, इक्वल टू लैम्डा माइनस यू की पावर माइनस एन प्लस वन बाय में माइनस एन प्लस वन और प्लस में के। अब यहां से आप देखिए एच स्क्वेयर जो आएगा आपका वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा यू की पावर माइनस एन प्लस वन बाय में माइनस एन प्लस वन और यू स्क्वेयर नीचे जाएगा,
यू स्क्वायर नीचे जाएगा तो ऊपर जाके ये यू की माइनस टू बनेगा, माइनस टू इसमें जुड़ेगा तो यहां पर आपका एन प्लस थ्री हो जाएगा और प्लस में यहां पर आपका क्या आएगा के वाई में यू स्क्वायर। अब यानी कि आप देखिए तो ये आपका हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एन प्लस वन, माइनस का साइन लगा लेते हैं, और ये यू की पावर एन प्लस थ्री प्लस के बाई में यू स्क्वायर, दिस इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई में एन प्लस वन, और ये यू को वन बाय आर पुट करोगे तो आर की पावर एन प्लस थ्री ऊपर हो जाएगी प्लस के यहां पर आपकी वन बाय ये बनेगा आपका आर स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन बना लेते हैं हम, यहां पर देखिए आर में हमारी एक नई इक्वेशन बन जाएगी ये। तो आर में इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एन प्लस वन एच स्क्वायर, एन प्लस वन बाय लैम्डा, सॉरी। तो जो आपकी ये बनेगी तो ये बनेगी आपकी एन प्लस वन एच स्क्वायर बाय में लैम्डा इक्वल टू माइनस आर की पावर एन प्लस थ्री, और प्लस ये आएगा आपका के एन प्लस वन लैम्डा आर स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बनाने के लिए प्रॉपर फॉर्म में मैं इस क्वांटिटी को सबको उधर ले जाता हूं, तो ये आपका बनेगा आर की पावर एन प्लस थ्री माइनस के एन प्लस वन बाय लैम्डा आर स्क्वायर और प्लस एन प्लस वन एच स्क्वायर बाय में लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, विच इज अ इक्वेशन इन वेरिएबल आर। तो ये इक्वेशन है आपकी आर वेरिएबल में, और यहां पर देखिए इट हैज टू चेंजेस ऑफ साइन इस इक्वेशन में, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो आपने डिस्कार्टे रूल ऑफ साइंस किया है, वो ये बोलता है कि जितने चेंजेस ऑफ साइन होंगे उतने हमारे एटमोस्ट उसके रूट आएंगे। तो यहां से टू चेंजेस ऑफ साइन है तो हम लिखेंगे, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, इसके बाद थोड़ी सी रह गई है हमारी बाय डिस्कार्टे रूल द इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स, मींस दैट इज एट मोस्ट टू वैल्यूज ऑफ आर, दिस इंप्लाइज थ्योरम। यानी कि यही हमारी थ्योरम थी कि भाई आर की जब एटमोस्ट टू वैल्यू आएगी, और वही किसको शो कर रही है एप्सिडल डिस्टेंसेस को, तो वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम टू हो सकते हैं। तो ये हमारी थ्योरम थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसमें एक छोटी सी गलती कर दी थी, मैं आपको बता दूं, जब यहाँ 2du by d थीटा से मल्टीप्लाई करना था तो मैं इधर 2 लगाना भूल गया था, तो वो जहां जहां लैम्डा है उसके साथ साथ आपने 2 भी लगाना है। हालांकि क्वेश्चन फिर भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी छोटी सी माइनर मिस्टेक हो जाती है जब हम फ्लो में किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। देखिए एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी क्या होती है, और इसका हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जो क्वेश्चनों में एज ए रिजल्ट यूज होगा। तो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी क्या है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स, यानी कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, इट मीन्स वो कोई ना कोई पाथ भी जरूर ट्रेस करेगा, और वो उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है हमेशा एक फिक्स पॉइंट में से पास करेगी। तो ये सपोज कीजिए ये ओ जो है वो सेंटर ऑफ द फोर्स है, और जो हमारा पार्टिकल है उसका जो पाथ है उसकी मैंने एक आर्क ली है, यानी कर्व ली है, वो ये पॉइंट लिया है मैंने, और ये सपोज कीजिए ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है ये, तो इस पॉइंट को मैंने सपोज किया, ये जो है ये पॉइंट सेंटर ऑफ फोर्स से ए डिस्टेंस पर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए डिस्टेंस है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी ये अक्वायर करेगा इफ इट इज मूव्ड फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी,
टू दैट पॉइंट, यानी कि अगर हम इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी पे हमारा जो पार्टिकल है वो रेस्ट की पोजीशन में है और वो मूव करेगा एक पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट की तरफ, ये मतलब मैंने सपोज कर लिया वो पॉइंट ए है, या मान लीजिए वो पॉइंट यहां है वो बी है, या कहीं और है वो पॉइंट सी है, तो जो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे वो वेलोसिटी अक्वायर करेगा That will be called velocity from infinity. तो वो velocity जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, velocity from infinity कहलाएगी, यानी कि particle जो velocity है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि infinity पर, infinity आप समझते हैं अभी infinity पे कहने का क्या means है, infinity से जो particle rest की position में था वो एक ऐसी position पर आया जो कि इस सेंटर ऑफ फोर्स से कुछ डिस्टेंस पर है, गिवन डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस हमने यहां किससे शो किया है, ए से, ये वाला जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको ए पॉइंट मानता हूं, और अगर बी पॉइंट मानता हूं तो वो डिस्टेंस मैं मान लूंगा बी है, अगर मैं बी पॉइंट मानता हूं उसको, तो जो वो ए पर अक्वायर करेगा वेलोसिटी, ए पॉइंट पर आकर जो वेलोसिटी अक्वायर करेगा हमारा पार्टिकल, या बी पॉइंट पर आकर जो वो वेलोसिटी अक्वायर करेगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो जो पॉइंट, जो वो वेलोसिटी है हमारी, वो क्या है, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का क्या मतलब है। तो अब देखिए, मैंने ये सपोज किया, अभी बी को हम छोड़ देते हैं, उसके लिए आर्क भी हमें उसी हिसाब से ड्रा करनी होती, क्योंकि ऑर्बिट के ऊपर ही हम पार्टिकल लेंगे। तो अब यहां पर देखिए कि हमने सपोज किया पार्टिकल अक्वायर अ वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस a, तो हमने ये सपोज किया है कि इस a पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कैपिटल v है। कब है वो वेलोसिटी v, जब वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पर पहुंचता है a पॉइंट पर, तो वेलोसिटी जो अक्वायर करता है वो कैपिटल v करता है हमारा पार्टिकल, और जो ये a पॉइंट है ये सेंटर ऑफ फोर्स से a डिस्टेंस पर है। तो हमने ये, तो हमको ये भी पता है कि जो हमारी पीडल इक्वेशन में, पीडल जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, एच स्क्वायर पी क्यूब डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एफ होती है। अब यहां से हमें वेलोसिटी निकालनी है। अब आप देखिए कैसे निकालूंगा मैं, यहां पर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं बोथ साइड्स, तो यहां से ये दैट इज क्या बना हमारा, एच स्क्वायर p माइनस थ्री डी पी इक्वल टू एफ डी आर आपका बनेगा। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड तो क्या आ जाएगा आपका, एच स्क्वायर ये आपका बनेगा p की माइनस टू बाई में माइनस टू, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू r और प्लस में c बनेगा, यानी ये आपका बना माइनस वन बाई टू एच स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर, और यहां पर आपका बना एफ डी आर प्लस सी, यानी माइनस वन बाई टू एच बाई पी किसको शो करता है, वेलोसिटी को। अब आपको ध्यान रखना है जो एच बाई पी होता है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहां पर ये हो गया हमारा वी का स्क्वायर और ये एफ डी आर प्लस सी के इक्वल होगा। अब लेकिन हम वेलोसिटी, हम यहां पर क्या सपोज कर चुके हैं, v सपोज कर चुके हैं कैपिटल, इस वाले केस में, पर्टिकुलर केस में, तो यानी कि हम यहां पे कैपिटल v वेलोसिटी का यूज कर लेंगे, यानी कि माइनस वन बाय टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू r प्लस c, और उसी के साथ साथ अब हमारी जो हम इंफिनिटी से चले थे और कहां आए हैं, a पॉइंट तक, जो यानी कि a डिस्टेंस है ओरिजिन से, हम ओरिजिन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ओरिजिन किसे कह रहे हैं हम, सेंटर ऑफ फोर्स को, तो ये हमारा इन्फिनिटी से a लिखा जाएगा। ये माइनस का साइन उसने इधर लगाया हुआ है, इधर ले सकते हैं हम, इधर भी ले सकते हैं, अगर मैं यहां से इस साइन को हटाऊंगा तो मैं इसको यहां लगा सकता हूं। अब आप कहेंगे ये भी नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव लगा सकते हैं, मैं माइनस सी को प्लस के कह दूंगा तो वो ही वाली फॉर्म हमारी ले लेगा, तो बात एक ही है। तो यानी कि दिस इज कॉल्ड दी फार्मूला फॉर वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि जब भी वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी की बात होगी हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, विच इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन।
तो ये आपको याद रखनी है, ये एक या वन या टू मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एनर्जी इक्वेशन, तो आप ये लिखेंगे तो इस व्यू पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये क्वेश्चंस में भी आपका यूज होगा।